वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर श्री स्वामीनारायण पॉलिटेक्निक यूट्यूब चैनल एंड यू आर वॉचिंग अ वीडियो लेक्चर ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बारे में, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में इंडेक्स प्रॉपर्टी के जितने भी इक्वेशंस देखे थे, और ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया हुआ था कि जितने भी इंडेक्स प्रॉपर्टी चैप्टर के अंदर इक्वेशंस आए हैं जो मैंने 22 बोर्ड के ऊपर आपको लिख के दिए थे, वो आप लोगों को 5-5 बार लिखने हैं और उसको याद करने थे। ठीक है, तो आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं उसके ऊपर से पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितना उसको याद किया है, ठीक है, उसका कितना रिवीजन किया है। दूसरी चीज़ कि ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो एग्ज़ाम्पल है आप लोगों की, GTU की एग्ज़ाम में काफ़ी काम में आने वाले हैं, और आपकी एग्ज़ाम में इसमें से कोई एक कोई एग्ज़ाम्पल तो वो लोग डेफिनेटली पूछेंगे ही इंडेक्स प्रॉपर्टी चैप्टर में से। सो ध्यान लगा के इसके ऊपर आपका अभ्यास करना रहेगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो आप खुद सॉल्व करके देखिए, और फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, या फिर तो डायरेक्टली ये वीडियो आप 2-3 बार देखोगे तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ जाएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इजी वे में उसको एक्सप्लेन करने का प्रयत्न करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम प्रॉब्लम सॉल्यूशन से, और साथ साथ में आपको क्या करना है कि जो मैं स्टेप कर रहा हूँ उसके पहले आपको उस स्टेप को याद कर लेना है। जो भी इक्वेशन मैं आपको पूछ रहा हूँ वो आपको मुझे बताना है चालू वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें एग्जाम्पल में क्या वैल्यूज दी गई है। तो सबसे पहले तो एन अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल, ठीक है, अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल यहाँ पे वर्ड आ रहा है, ठीक है। ये वर्डिक के ऊपर से आपको पहले तो ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए जो मैंने आपको लेक्चर में समझाया था। दो टाइप के सॉइल सैंपल्स होते हैं, एक तो डिस्टर्ब होता है, दूसरा होता है अनडिस्टर्ब सैंपल, ठीक है। बेसिकली दोनों का डिफरेंस क्या है? डिस्टर्ब सैंपल मतलब कि जब हम लोग कोई पन मटेरियल कलेक्ट करते हैं ग्राउंड लेवल पे से, ठीक है, तो उसको कलेक्ट करने के टाइम उसका जो सॉइल स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जो वाटर कंटेंट वो सब डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। उसका सॉइल स्ट्रक्चर जो एक्चुअल था वो नहीं रह पाता, उसको मैं डिस्टर्ब सैंपल बोलूँगा। अनडिस्टर्ब किसको बोलूँगा कि जो उसकी सॉइल स्ट्रक्चर है, जो उसकी प्रॉपर्टी, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आते, वैसा का वैसा मैं जो सर ग्राउंड पे है वैसा का वैसा मैं कलेक्ट कर दूंगा। तो डिस्टर्ब सैंपल और अनडिस्टर्ब सैंपल लेने के लिए कौन से तरीके हो सकते हैं? तो जैसे कि कोर कटर हो गया, या फिर SPT हो गया, स्प्लिट फिन सैंपलर, ये सब हमें क्या दे रहा है? डिस्टर्ब सैंपल दे रहा है, ठीक है। डिस्टर्ब सैंपल कहाँ से मिला हमें? कोर कटर, जो हम लोग डेंसिटी मेजर करने के लिए मैंने आपको थियरी समझाई थी वो, और दूसरा था उसके अंदर SPT स्प्लिट स्प्रून सैंपलर, ठीक है, स्प्लिट स्प्रून सैंपलर। दूसरा अनडिस्टर्ब सैंपल में कैसे कलेक्ट करूँगा? तो उसके लिए है सेल्बी ट्यूब, या फिर आप उसको अनडिस्टर्ब सैंपलर के नाम से भी जान सकते हो, अनडिस्टर्ब सैंपलर, ठीक है। ये दो जो इक्विपमेंट है उससे मैं क्या करूँगा, अनडिस्टर्ब सैंपल कलेक्ट कर सकता हूँ, डिस्टर्ब के लिए कोर कटर वगैरह, ठीक है। नाउ आगे बात करते हैं, एन अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल हैज़ वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब। सबसे पहले हमें वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम कितना दिया है हमें? 200 सेंटीमीटर क्यूब। देन एंड वेट 300 ग्राम्स। दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे दी गई है वेट, कितनी दी है? 300 ग्राम जितना वेट दिया है। आफ्टर ओवर ड्राइंग फॉर 24 आवर्स, ठीक है, हम क्या करेंगे, कोई भी सैंपल को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसको 24 घंटे के लिए हम क्या करते हैं, ओवन ड्राई करने के लिए रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो भी एक्सेसिव मॉइस्चर जो सॉइल स्ट्रक्चर के अंदर एब्जॉर्ब हुआ है वो हम क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं ओवन ड्राई मेथड से, टोटली ड्राई कर देते हैं सॉइल पार्टिकल्स को। नाउ द वेट रिड्यूस टू 280 ग्राम्स। ओवन ड्राई करने के बाद 24 घंटे के बाद हमारा वेट का जो सॉइल सैंपल है उसका वेट कितना हो गया? 280 ग्राम जितना हो गया है। फाइंड, पहले सबसे पहला क्या बोला है फाइंड करने के लिए, स्मॉल W दैट मीन्स वाटर कंटेंट, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग इसको याद कर लीजिए, ठीक है, उसके शॉर्ट फॉर्म्स याद कर लीजिए। W मतलब वाटर कंटेंट, यहाँ पे दिया है गामा बी मतलब क्या है? बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट। और गामा डी क्या है यहाँ पर? ड्राई यूनिट वेट। ओके, ये तीन चीज़ हमें अभी यहाँ पे फाइंड करनी है,
ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसको थोड़ा भी दिमाग में हाइप क्रिएट मत करना कि डिफ़िकल्ट है ये न्यूमेरिकल्स, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ इक्वेशन याद होंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। तो कोई भी हमारे पास इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ दी हो, ठीक है, रकम जो हमारे पास यहाँ पे है उसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे उतार देंगे। उतारने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन डेटा का हेडिंग लगाएंगे और जितनी भी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे दी है वो हम लोग लिख देंगे, ठीक है, ये एग्जाम्पल के ऊपर से ही। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, वॉल्यूम, राइट, वॉल्यूम कितना है हमारा 200 सेंटीमीटर क्यूब। मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी ये पेन काम नहीं करी, ओके। नाउ दूसरी चीज हमें क्या दी है, वेट, टोटल वेट दिया है हमें कितना दिया है 300 ग्राम, यह है आपका वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब और यह है आपका वेट 300 ग्राम। दूसरी चीज़ हमें दी है कि ये कौन सा वेट है, टोटल वेट मतलब बल्क वेट, ठीक है। उसके बाद हमें दिया है यहाँ पे कि आफ्टर ओवन ड्राई फॉर 20 आवर तो वेट रिड्यूस टू द 280 ग्राम्स, मतलब ओवन ड्राई में रख के हमें कौन सा वेट मिलने वाला है, ऑब्वियसली ड्राई वेट, ठीक है, ये हमारा बल्क वेट हमें यहाँ पे दिया गया है 300 ग्राम। और दूसरा हमारा होगा WD, ड्राई वेट कितना हो गया है 280 ग्राम्स जितना। नाउ हमारे पास तीन वैल्यू दी गई है, उसके ऊपर से आपको पता है कि वाटर कंटेंट का जो हम लोग थियरी और प्रैक्टिकल हमने समझा था कि वाटर कंटेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं उसको यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ। वाटर कंटेंट फाइंड करने के लिए हम लोग ने क्या किया था, वेट ऑफ वाटर अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, WW को बल्क वेट में से मैं जो ड्राई वेट है वो मैं डिडक्ट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा कि ये जो सॉइल सैंपल में जितना वाटर का वेट है वो मुझे मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये बल्क वेट हमने बाहर से लिया था, ठीक है, सैंपल लिया था, उसका वजन क्या 300 ग्राम, इसको मैंने क्या किया 24 घंटे के लिए ओवन ड्राई कर दिया और उसका मुझे वजन मिला 280 ग्राम, मतलब कि 20 ग्राम जितना यहाँ पे जो हमें फ़र्क दिख रहा है वो था मॉइस्चर का, वाटर कंटेंट का, जो इवापोरेट हो गया या फिर रिमूव हो गया। तो सिंपल यहाँ पे मैं क्या करूँगा, WB - WD, सो मैं वाटर कंटेंट कितना मिलेगा 300 - 280 = 20 ग्राम्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको वाटर कंटेंट मिल गया, ठीक है, वेट ऑफ वाटर मिल गया, सॉरी वाटर कंटेंट अब हम फाइंड करेंगे, वेट ऑफ वाटर हमारा हो गया 20 ग्राम्स। नाउ हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला है, सबसे पहले तो वाटर कंटेंट, उसके बाद बल्क यूनिट वेट और उसके बाद ड्राई यूनिट वेट, यूनिट वेट मतलब डेंसिटी है, बल्क डेंसिटी एंड ड्राई डेंसिटी। तो पहले स्टेप पे हम लोग आते हैं वाटर कंटेंट। तो आप लोगों को याद होगा सबसे पहला मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे वाटर कंटेंट मेजर करूँगा। वाटर कंटेंट कैसे मेजर होगा आप लोग बताइए मुझे, उसका इक्वेशन क्या है वाटर कंटेंट का, बहुत ही सिंपल है, वाटर कंटेंट हाँ इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर ओवर वेट ऑफ सॉलिड्स। यहाँ पे सॉलिड्स कौन सी है, ड्राई सॉइल, ठीक है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ ड्राई सॉइल्स इनटू 100, क्लियर। वेट ऑफ सॉलिड्स ले रहा हूँ मतलब कि सिर्फ सॉलिड का वेट है, उसमें वाटर मॉइस्चर का वेट नहीं है, तो सिर्फ सॉलिड का वेट क्या हो जाएगा हमारा, ड्राई वेट हो जाएगा, क्लियर। काफ़ी लोगों को यहाँ पे दिक्कत होती है अंडरस्टैंड करने में ना, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। वेट ऑफ वाटर हमें कितना मिला यहाँ पे 20 ग्राम्स ओनली, ठीक है, और वेट ऑफ ड्राई सॉइल हमें कितना मिला दिया गया है यहाँ पे 280 ग्राम्स इंटू 100। सो वेट ऑफ वाटर आपको क्या मिलेगा, सिंपल यहाँ पे कैल्सियम में वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग, 20 / 280 × 100, तो 7.14%, 7.14% यहाँ पे नेचुरल वाटर कंटेंट है, ठीक है। तो 7.14% हमें क्या मिला, वाटर कंटेंट, तो इसको मैं बॉक्स कर दूंगा इस तरीके से, ओके। ना आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, दूसरा हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं यहाँ पे, हमें क्या फाइंड करने को बोला है ऊपर एग्जांपल में, तो बल्क यूनिट वेट, ठीक है, यहाँ पे गामा बी, बल्क यूनिट वेट का इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 करके मैं क्या फाइंड करूँगा, बल्क यूनिट वेट, बल्क यूनिट वेट मतलब गामा बी। अब बल्क डेंसिटी का इक्वेशन आपको पता ही है क्या है, यस, वेट ओवर
वॉल्यूम। नाउ वेट ओवर वॉल्यूम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट कौन सा लेना है हमें, बल्क है, बल्क वेट लेंगे। बल्क वेट कितना है यहाँ पे, 300 ग्राम, तो यहाँ पे मैं इजीली 300 ग्राम लिख दूंगा। वॉल्यूम कितना है यहाँ पे, 200 ग्राम, तो यूनिट वेट हमें कितना मिलेगा यहाँ पे, गामा बी। आप लोग सिंपली इसको फाइंड कर सकते हैं केल्सी के अंदर, 300 डिवाइड बाय 200 इज इक्वल टू 1.5। वेट का यूनिट क्या होगा, ग्राम में यहाँ पे दिया है, वॉल्यूम किस में, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसका यूनिट में यहाँ पे लिख दूँ अगर, तो वेट का क्या है ग्राम, वॉल्यूम का क्या है सेंटीमीटर क्यूब, तो मैं इजीली यहाँ पे लिख सकता हूँ ग्राम पर सीसी, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये होगा आपका दूसरा आंसर जो आपने फाइंड कर लिया है। नाउ हमें क्या बोला है तीसरा फाइंड करने के लिए, वो है यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, ड्राई यूनिट वेट, ठीक है, ड्राई यूनिट वेट। ड्राई यूनिट वेट फाइंड करने के लिए हमें बताया गया है। अब ड्राई यूनिट वेट का इक्वेशन आपको पता ही है कौन सा है, ड्राई यूनिट वेट का इक्वेशन गामा डी इज इक्वल टू वेट ओवर वॉल्यूम, बट यहाँ पे जो वेट होगा वो कौन सा वेट होगा, ड्राई वेट, क्योंकि ड्राई यूनिट वेट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा तो क्या मिलेगा आंसर मुझे, ड्राई यूनिट वेट मेरा कितना है, सबसे पहले तो ऊपर आपको दिया गया है यहाँ पे 280 ग्राम्स इतना, ठीक है। तो ड्राई यूनिट वेट है आपका 280 ग्राम्स, एंड वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम तो हमारा सेम 200 ग्राम्स है यहाँ पे, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा यहाँ पे ड्राई यूनिट वेट का, 280 डिवाइड बाय 200, सो इट इज़ अ 1.4, ठीक है, 1.4। सेम यूनिट वेट क्या है ड्राई का, ग्राम में, इसका यूनिट क्या है वॉल्यूम का, सेंटीमीटर क्यूब, तो सिमिलर पैटर्न में यहाँ पे 1.4 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट इज़ योर गामा डी। सिंपल आपने यहाँ पे ये भी फाइंड कर लिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल वे में हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, सिर्फ इक्वेशंस रखने, वाटर कंटेंट का, वेट ऑफ वाटर ओवर वेट ऑफ सॉलिड्स इन 200, 20 बाय 180, हमको डायरेक्ट वाटर कंटेंट मिल गया परसेंटेज में। यूनिट वेट का क्या है, वेट ओवर वॉल्यूम, वेट कौन सा लेना है, बल्क यूनिट वेट की बात करेंगे तो बल्क वेट लेंगे, ठीक है। और दूसरा ड्राई यूनिट वेट का सेम वेट बाय वॉल्यूम, पर यहाँ पे ड्राई यूनिट वेट हो तो वेट कौन सा लेंगे हम, ड्राई वेट। क्लियर, इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ इक्वेशन याद रख के आपको बैठे इसके 4 मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ दूसरा यहाँ पे देखने का क्या है कि ये जो ड्राई यूनिट वेट हमने फाइंड किया, ठीक हो, उसको हम दूसरी मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। कौन सी मेथड, तो हमारे पास एक दूसरा इक्वेशन है ड्राई यूनिट, ड्राई वेट फाइंड करने का, गामा डी इज इक्वल टू गामा बी ओवर 1 प्लस W। ये इक्वेशन हम लोगों ने ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड में इसको सॉल्व किया था, किस तरीके से हमें इसको इसका जो रिलेशन है वो हमें फाइंड करना है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो रिलेशन हम फाइंड करते हैं इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ठीक है। ये GTU के एग्जाम में पूछने की शक्यता है, 90% शक्यता है, क्योंकि 4 हमको सॉल्व करने के दिए, 4 में से ये और दूसरा था WG ओवर SR, E इज इक्वल टू WG ओवर SR, ये दो काफ़ी बार GTU के एग्जाम में पूछ चुके हैं और इसी को पूछने की संभवता ज़्यादा है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके अंदर बाकी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो इसी के आसपास आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। गामा बी हमें क्या मिला यहाँ पे, बल्क यूनिट वेट 1.5, ओके, डिवाइड बाय 1 प्लस वाटर कंटेंट हमें कितना मिला, 7.14 डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है वो परसेंटेज में है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.0714। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 1.5 डिवाइड बाय, देखिए कैल्सियम में सॉल्व करने के टाइम ये ब्रैकेट करना भूलना मत जाना, काफी लोग भूल जाते हैं, फिर वो बोडेज रूल को आप क्या कहते हो, सपोर्ट नहीं करते हो बोडेज रूल को, फिर आपका आंसर नहीं आएगा उसको सपोर्ट नहीं करोगे तो, ठीक है। 1.5 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस 0.0714 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स 1.4, ओके। तो मैंने यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर दिया है आंसर, सेम हमारा यहाँ पे 1.4 आता है, यहाँ पे भी 1.4 ग्राम पर सीसी आंसर आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप उसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा आपका आंसर सही है कि गलत, क्लियर। तो दोस्तों ये था आपका
सॉल्व किया हुआ एग्जांपल, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं साथ साथ में, ठीक है, तो हमारा एक और रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दूसरा एग्जांपल है जो मैं डायरेक्टली आपको बुक में दिखा रहा हूँ, काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछ चुके हैं, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको सिलेक्ट किया है। आगे का जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया, आप उस किस्म के जो बाकी के एग्जाम्पल है वो आपको घर पर बैठ के ये सॉल्व करने हैं। अगर आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझको अभी पूछ लीजिए, क्योंकि लास्ट में सब इकट्ठा हो जाएगा और आप उसमें कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। तो अभी जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपको लास्ट में बेनिफिट रहेगा। तो ये जो अलग सा क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। इसके अंदर क्या दिया है, द परसेंटेज वॉइड्स इन द सॉइल सैंपल इज 30%, ठीक है। परसेंटेज ऑफ वॉइड्स दिया है, वॉइड्स मतलब स्मॉल ई, यहाँ पे गिवन डेटा में आपको दिख रहा है स्मॉल ई। इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल सैंपल आर 2 ग्राम पर सीसी एंड 1.5 ग्राम पर सीसी, मतलब कि ड्राई डेंसिटी आपको दी है गामा डी मैक्सिमम और गामा डी मिनिमम कितनी है, 2 ग्राम पर सीसी और दूसरी 1.5 ग्राम पर सीसी रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन डेंसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल व्हेन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल इज 2.4, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी जी आपको दिया गया है 2.4, और आपको क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स आईडी या फिर आरडी से आप डिनोट करते हो, उसका इक्वेशन है आपका। डेंसिटी इंडेक्स का इक्वेशन आपको क्या है, रिपीट कीजिए मुझे, डेंसिटी इंडेक्स आईडी इज इक्वल टू ई मैक्सिमम माइनस ई डिवाइड बाय ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। ई मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस ई मतलब नेचुरल वॉइड रेशियो जो आपको यहाँ पे दिया गया है 30, ठीक है, डिवाइड बाय ई मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम वॉइड रेशियो माइनस मिनिमम वॉइड रेशियो, ये उसका इक्वेशन है। तो चलिए उसको हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसको फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम बुक में क्या लिखेंगे, गिवन डेटा लिख लेंगे यहाँ पर। सो लेट्स स्टार्ट विद द गिवन डेटा। एग्जाम्पल 2 है ये, गिवन डेटा यहाँ पे दिए गए हैं वो मैं पुट डाउन कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें क्या दिया गया था, वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो कितना था हमारा, E इज इक्वल टू 30%, ठीक है। 30% मतलब 0.30 उसकी वैल्यू हो गई, राइट। वॉइड रेशियो हमारा 30% है। दूसरा दिया था मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मतलब गामा डी मैक्स। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी हमें कितनी दी गई है यहाँ पे, 2 ग्राम पर सीसी, 2 ग्राम पर सीसी। और मिनिमम ड्राई डेंसिटी भी हमें दी गई है वो कितनी है, गामा डी मिनिमम इज इक्वल टू 1.5 ग्राम पर सीसी मतलब 1.5 ग्राम पर सीसी। उसके साथ हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दिया गया है, जी का वैल्यू दिया गया है, वो हमें दिया गया है 2.6, क्लियर। तो ये है हमारे गिवन डेटा। वो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पे आई डी, राइट, रिलेटिव डेंसिटी। उसका इक्वेशन मैंने आपको क्या बताया था, रिपीट कीजिए मेरे साथ, ई मैक्सिमम माइनस ई डिवाइड बाय ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या फाइंड करना, मेरे पास वैल्यू दी है वॉइड रेशियो, नेचुरल वॉइड रेशियो तो यहाँ पे इक्वेशन में दिया गया है। देन ड्राई डेंसिटी मुझे दी गई है मैक्सिमम, और ड्राई डेंसिटी मुझे दी गई है मिनिमम। मुझे क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम वॉइड रेशियो और मिनिमम वॉइड रेशियो। अगर मेरे पास ये दो वैल्यू होगी तभी मैं इसका यूज़ करके रिलेटिव डेंसिटी को मेज़र कर पाऊँगा। तो वॉइड रेशियो और ड्राई डेंसिटी का रिलेशन हो, ऐसे कितने इक्वेशन हैं हमारे पास। तो हमने जो इक्वेशंस सॉल्व किए थे रिलेशंस के अंदर, उसके अंदर एक इक्वेशन आपको दिया गया था ये वाला, गामा बी इज इक्वल टू जी प्लस ई इंटू एस आर गामा डब्ल्यू ओवर 1 प्लस ई। इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या किया था, ड्राई यूनिट वेट अगर मुझे गामा डी फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, जो सेचुरेशन रेट है उसको मैं ज़ीरो ले लूँगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ड्राई है तो सेचुरेशन रेट कितना होगा, ज़ीरो होगा, और फुली सेचुरेट होगा तो कितना होगा, 1 होगा। एस आर इज इक्वल टू 1, यहाँ पर ड्राई कंडीशन में एस आर इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, जी गामा डब्ल्यू ओवर 1 प्लस ई। बस यही इक्वेशन को मैं यहाँ पे यूज़ करके ई मैक्सिमम और ई मिनिमम फाइंड करूँगा। कैसे, मुझे गामा डी दिया गया है, एक बार गामा डी मैक्सिमम पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ई मिनिमम। क्यों, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वॉइड रेशियो मेरा कम होगा, जितना हमारा सॉइल कॉम्पैक्ट होगा एकदम, ठीक है, उतने उसके अंदर वॉइड्स
कम होंगे, और जितनी सॉइल हमारी लूज होगी उतना उसके अंदर वॉइड्स ज़्यादा होंगे। तो गामा डी मैक्स होगा तो मुझे क्या मिलेगा, ई मिनिमम मिलेगा, और गामा डी मिनिमम होगा तो मुझे क्या मिलेगा, ई वॉइड रेशियो ज़्यादा मिलेगा। क्लियर हो गई ये डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। प्लस इस इक्वेशन में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको जी दिया गया है, गामा डी आपको दिया गया है, आपको फाइंड क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ई, ठीक है। और आप लोगों को डाउट होगा यहाँ पे कि सर गामा डब्ल्यू क्या है, तो गामा डब्ल्यू की वैल्यू तो आपको पता ही है कितनी है, नेचुरली 1 ग्राम पर सीसी। मैंने काफ़ी बार बताया आपको कि गामा डब्ल्यू की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 1 ग्राम पर सीसी जितनी लेते हैं। अगर किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब में दिया है तो 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब हम लोग उसकी वैल्यू लेंगे। यहाँ पे सभी रीडिंग किस में है, ग्राम पर सीसी में दिए गए हैं, तो हम लोग क्या लेंगे, 1 ग्राम पर सीसी इसकी वैल्यू लेंगे गामा डब्ल्यू की, ठीक है। चलिए सिंपल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहला इक्वेशन हमारा क्या होगा, यहाँ पे यही इक्वेशन का यूज़ करना है, गामा डी मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गामा डी मैक्स की वैल्यू दी है, गामा डी मिनिमम की दी है। तो गामा डी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होगा, जी गामा डब्ल्यू ओवर 1 प्लस ई मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, ई मिनिमम होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन में से ई मिनिमम को करता बना दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस ई मिनिमम इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू ओवर गामा डी मैक्स, ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। अब यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है, सिर्फ ई मिनिमम करना है, तो मैं ये 1 को इस साइड ले जाऊँगा, तो ये 1 क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ई मिनिमम इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू ओवर गामा डी मैक्स माइनस 1, ठीक है, 1 में माइनस 1 करना है, जो भी हमें रीडिंग मिलेगा वो, तो मुझे क्या मिल जाएगा, ई मिनिमम मिल जाएगा। नाउ डायरेक्टली पुट द वैल्यू हियर, ई मिनिमम वैसा का वैसा, जी कितना है हमारा 2.4, गामा डब्ल्यू में कितना लूंगा 1, ठीक है, डिवाइड बाय गामा डी मैक्स कितना है हमारा यहाँ पर, तो हमें दिया गया गिवन डेटा में 2 ग्राम पर सीसी, मैं यहाँ पे भी उतना ही लूँगा 2 ग्राम पर सीसी। ये जो रीडिंग है मेरा उसको मैं क्या करूँगा, एक में से बात कर लूँगा, मुझे क्या लास्ट में आंसर मिलने वाला है देख लेते हैं। सिंपल 2.4 डिवाइड बाय 2 क्या मिला मुझे, 1.2 माइनस 1 तो क्या हो गया, 0.2, ठीक है। यहाँ पे मुझे ई मिनिमम क्या मिला, 0.2, उसको मैं बॉक्स बना देता हूँ, ये हमारा एक आंसर हो गया, वॉइड रेशियो मुझे मिनिमम वॉइड रेशियो मिल गया। नाउ मैं क्या करूँगा, गामा डी मिनिमम मेजर करूँगा, गामा डी मिनिमम उसका क्या इक्वेशन बन जाएगा, यहाँ पे जी गामा डब्ल्यू ओवर 1 प्लस ई मैक्स, क्लियर, ठीक है। इसका जो इक्वेशन बनने वाला है वो भी हम नीचे लिख देते हैं, मैं आपको डायरेक्टली लिख के, ऊपर जो ई मैक्सिमम का था वैसा मैं सिंपल डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकता हूँ यहाँ पे, वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ई मैक्सिमम इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू ओवर गामा डी मिनिमम माइनस 1, ठीक है। तो इससे क्या होगा मेरा आंसर, यहाँ पे ई मैक्सिमम इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करनी है हमें, जी गामा डब्ल्यू ओवर कितना है हमारा 2.4 × 1, गामा डी मिनिमम हमें कितना मिला है यहाँ पे 1.5 ग्राम पर सीसी दिया था, मैं क्या करूँगा सिंपल यहाँ पे 1.5 कर दूँगा उसको ब्रैकेट में, और ये बाकी सब माइनस 1 हो जाएगा वैल्यू उसका, तो मुझे ई मैक्सिमम कितना मिलेगा, इसको मैं सॉल्व करूँगा कैलसी के अंदर, 2.4 डिवाइड बाई 1.5 माइनस 1 दैट इज़ योर 0.6, राइट, ई मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.6। नाउ मेरे पास मैक्सिमम वॉइड रेशियो और मिनिमम वॉइड रेशियो दोनों आ चुके हैं, ठीक है, ई मिनिमम मिल गया मुझे, ई मैक्सिमम मिल गया। अब मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली जो हमारा आईडी का इक्वेशन था, आईडी इज इक्वल टू ई मैक्सिमम माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम, मतलब रिलेटिव डेंसिटी का जो इक्वेशन है मेरा वो यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा, डायरेक्टली मुझे इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है। क्लियर हो गया यहाँ पे, ई मैक्सिमम कितना मिला मुझे 0.6 माइनस नेचुरली हमें कितना दिया है 0.3 डिवाइड बाई 0.6 माइनस 0.2। तो लाइए हम इसको वैल्यूज को पुट कर देते हैं यहाँ पे, रिलेटिव डेंसिटी
आई डी इज इक्वल टू ई मैक्सिमम माइनस ई डिवाइड बाय ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम. ओके, ई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है? 0.6 माइनस नेचुरल वाटर वाटर रेशियो कितना है? 0.3. ई मैक्सिमम यहाँ पे कितना है? 0.6 माइनस 0.2. इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो क्या आएगा, ऊपर 0.3 और यहाँ पे आएगा 0.4. अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 0.75. ठीक है, अब रिलेटिव डेंसिटी हमें किस में मिलेगी? परसेंटेज में. तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, रिलेटिव डेंसिटी का आंसर परसेंटेज में मिल जाएगा डेफिनेटली. सो आई डी इज इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे, 75%. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर आंसर ऑफ आई डी रिलेटिव डेंसिटी. ठीक है, 4 मार्क में पूछेंगे, 4 मार्क आपके इसके डायरेक्टली प्रॉपरली यहाँ पे आ जाएंगे. आई होप आप लोगों को समझ में आया है. अगर नहीं समझ में आया तो और भी हम जो एग्जांपल है यहाँ पे प्रॉब्लम से उसको सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. प्लीज़ गिव मी योर कॉमेंट इन अवर क्लासरूम, ओके, और व्हाट्सअप. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ.